रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज एनालिसिस या रिपोर्ट्स में आया था कि इंडिया कम्प्लीटली स्टॉप्स रावी रिवर वाटर फ्लो टू पाकिस्तान, कि इंडिया ने जो रावी रिवर है उसका वाटर फ्लो पूरा का पूरा रोक दिया है। अब रावी रिवर का जितना भी वाटर प्रॉपर यूटिलाइजेशन है अब इंडिया में अपने आप अपनी कंट्री में ही होगा, और ये किस वजह से हुआ ये हम न्यूज में आज देखेंगे। इंडिया में न्यूज क्या है कि द कंप्लीशन ऑफ द शाहपुर कांटे बैरेज, ये जो शाहपुर कांटे बैरेज है ये कंप्लीट हो गया है, और इसकी वजह से जो वाटर इंडिया से पाकिस्तान में फ्लो करके निकल जाता था अब वो पाकिस्तान में फ्लो नहीं, अनयूटिलाइज्ड होके नहीं फ्लो करेगा, अब वो प्रॉपर से इंडिया में उसका प्रॉपर यूज किया जाएगा इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ये जो शाहपुर कांड बैरेज है ये हम देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ पे है। ये आप देखेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, नीचे पंजाब का ये छोटा सा पोर्शन है, और इधर हिमाचल प्रदेश है। तो ये रणजीत सागर डैम के नीचे आप देखोगे तो ये रहा लोकेशन शाहपुर कांडी बैरेज का। अब ये अप्रोक्सीमेटली क्या होता था, 2 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर रावी रिवर का जो बिना यूटिलाइजेशन के माधोपुर से होते हुए पाकिस्तान की तरफ निकल जाता था, चला जाता था, वो अब प्रॉपर इंडिया में इसका यूसेज हो जाएगा। एक बार और इसका लोकेशन देख लेते हैं, ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर है, नीचे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे पंजाब, और ये जो लोकेशन है यहाँ इनके ट्राइजेशन के पास ही छोटा सा एरिया, यहाँ पे ये लोकेशन लोकेटेड है, शाहपुर कांडी बैरेज है। इसी का एक जो गूगल मैप जो इमेज आप देख सकते हो ये चीज है, यहाँ पे जो ब्लू लाइन कलर का आप देख रहे हो ये है हमारा जो रावी रिवर है जो फ्लो कर रहा है यहाँ रणजीत सागर डैम के पास। तो ये तो हो गई लोकेशन। अब इस डैम का जो शाहपुर कांडी बैरेज जो कंप्लीट हुआ है इसका हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी। 1995 में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, लेकिन काफी डिलेज होने के बाद रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट या अनबन होने के कारण सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट रुक जा रहा था, कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर 2016 में गवर्नमेंट ने प्लेज किया, हमारे जो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने प्लेज किया कि जो हमारे 3 रिवर्स हैं सतलज, ब्यास और रावी, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाएगा ताकि उसका बेनिफिट हमारे इंडियन फार्मर्स और इंडियन कम्युनिटी को मिले। साथ ही साथ 2018 में हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को, शाहपुर कांडी बैरेज डैम को, प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी दर्जा दिया था ताकि इसमें कोई दिक्कतें ना आए, कोई चैलेंजेस जो भी आए वो डायरेक्ट नेशनल लेवल से इसको टैकल किया जाए। अब जब ये बैरेज कंप्लीट हो गया है तो इसका एडवांटेज इंडिया को क्या मिलेगा। दिस डेवलपमेंट सिग्निफाइज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन वाटर एलोकेशन। पहले जो था 1100 क्यूबिक इंच ऑफ वाटर जो पहले पाकिस्तान के पास चला जाता था अब वो पूरा का पूरा इंडिया में उसका यूज होगा। इससे क्या बेनिफिट होंगे, दो चीजों से बेनिफिट होंगी। 32,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो कि जम्मू कश्मीर के कथुआ और सांभर डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करेगा, इरिगेशन पर्पस में यूज किया जाएगा, और साथ ही साथ 5,000 हेक्टेयर जो है पंजाब का एरिया को ये इरिगेट करेगा। तो इरिगेशन के साथ साथ एक और जो बेनिफिट होगा वो है इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। इसमें करीबन 206 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ये नेबरिंग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो इससे इरिगेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा पूरे रीजन में। और साथ ही साथ जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है, रिवर्स की बात आती है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी जो है इंडिया में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है जो यहाँ के जियो पॉलिटिक्स वगैरह को डिटरमाइन करती है, और हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ही इसको साइन किया गया था। उस टाइम सोचा गया था कि जो रिवर्स फ्लो करती हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में उनको कैसे कंट्रोल और कैसे उसका यूसेज किया जाए। तो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी जो किसके एडमिनिस्टर्ड हुआ था, वर्ल्ड बैंक के थ्रू एडमिनिस्टर किया गया था इस ट्रीटी को। इसमें क्या डिसाइड किया गया था कि जो ईस्टर्न रिवर्स होंगी, जो 3 ईस्टर्न रिवर्स है रवि, ब्यास और सतलज, इनको एडमिनिस्टर किया जाएगा इंडिया के द्वारा। ये तीनों रिवर्स जो है इंडिया के कंट्रोल में रहेंगी, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम और चनाब, इन तीनों रिवर्स को कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ चले गए थे और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उसको इंडिया को दे दिया गया था। तो ये डिसाइड किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी में। साथ ही साथ एक और परमानेंट इंडस कमीशन भी स्टाब्लिश किया गया था कि इन केस फ्यूचर में जब जरूरत आए, कोई कम्युनिकेशन हो, कोई डिस्प्यूट हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन भी सेटअप किया गया है जो टाइम टू टाइम हर सिचुएशन को मॉनिटर करता रहता है और कोई भी इश्यूज को रिजोल्व करने की कोशिश करता है। द ट्रीटी इस ट्रीटी ने क्या फैसिलिटेट ऑल्सो फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, लिंक कैनल्स, बैरेजेस एंड ट्यूबवेल्स। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम कंस्ट्रक्शन डैम्स बैरेजेस वगैरह नहीं बना सकते, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे कैनाल्स और ट्यूबवेल्स कर सकते हैं,
पूरा फ्लो ऑफ वाटर एकदम हम ब्लॉक करके अपने कंट्री में स्टोर नहीं कर सकते, स्टोरेज नहीं कर सकते इन रिवर्स का अपने कंट्री में। साथ ही साथ तो ये था इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि लास्ट फ्यू फ्यू ईयर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिवर्स और रिवर चैनल्स और ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चंस बनते रहे हैं, और 2021 में इंडस रिवर सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फोर रिवर्स, थ्री ऑफ देम पोर इंटू वन ऑफ देम विच जॉइन्स द इंडस डायरेक्टली, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज सच रिवर दैट जॉइन्स द इंडस डायरेक्टली। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये कंटेक्स्ट समझ में आया होगा, शाहपुर बैरेज कैंडी शाहपुर कैंडी बैरेज समझ में आया होगा कि कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी रिलेवेंस समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।